दोस्तों राम राम साहब, मैं था दोस्त था भाई था मित्र कुम सिंह। और नौलगढ़ में चोरी की बड़ी वारदात हुई है, क्या क्या हुआ है? हम भी पहुंचे हैं, पुलिस वाले भी पहुंचे हैं, हमें सूचना मिली और परिवार से कहीं बाहर गया हुआ था तमाम लोग, कर्सियां से बात करवा रहे हैं लोग। एक एक को तोड़े रहे, एक को तोड़े, दो ताला तोड़ लिए। अंगूठी की और मेरे चांदी की तागड़ी की और तीन जोड़ी पजवा की ही और मेरे बाबुआ का छठ तागड़ी हा और ना नोज भी नहीं और कन्ना का बाड़ा हा। अरे लाल कुंडा कहाँ था? सही ताला ताला कर और साइड में रखी गई मुझे बंद ताला एक जगह बड़ा कोई कमरा को तोड़ दे ताला का ताला तोड़ दे काल मरा हम दूसरा ताला दो ताला गेटर तोड़ दे। अच्छा गेट का दो हाँ गेट का नहीं वापस में करके गए तो मैं जैसे सोच रहा मैं जैसे बाहर आ रहा हूँ ना तो कहीं कुछ बैठा होगा तेरे को भी मतलब ना लोकल आज जब तक मैं गेट का लगा था ना तब लगा था ये तो कॉलेज लगा था मैं ताली को ना दो बाद में मैं माइंड बड़ी जरा एक कमरा को देखो बस सोने को ना दो बाद में यहाँ आया कल भी अकेला है बर्दन खुलने डर है और आप मरे का कहाँ रोड डर दो ना कार्ड बेस्ट तारीख में शाम के लिए नॉन है दस तारीख ने गई मैं एक सोना को और एक सोना की चैनी तीन सोना की अंगूठी की और मेरी चांदी की तागड़ी की और तीन जोड़ी पजवा की और मेरे बाबुआ का छठ तागड़ी हा और ना नोज भी नहीं और कन्ना का बाड़ा हा और चांदी का सिक्का देखो भी कमरे में चलो पर्स भी अलमारी में खड़े रही हूँ तो ना कपाल में हाथ खुल लगा तो चल की मैं संदेह का एक बार दिखा दी बात तो हाथ लगा जो भी मत रहे हम कह रहा कोई लगा मत तब भी मत तो पर्स का तो हाथ ऊपर से मैंने कहा देखो मैं जाइया खोलो तो देखो भी भाई अपना कागज को कुछ तो छोड़ रहा है बचा रहा है पड़ोसन बता कौन गया के तो पड़ोसन बता जानो चाहिए पुलिस से भी बतानो चाहिए पड़ोसन को यहां बता गई भाई दादा तुम्हारा बताओ ना पड़ोसन के लोग आदमी में तो आप के ग्रुप मैं थोड़े मकान पर ही रोंडा ले बस भी दसोटन में गए रे भाई दसोटन तो रोड पे भी गेस्ट लगाओ खंडार जी अरे बता रहे लोग स्ट्रीट लाइटिंग हुई साहब 8 बजे बाद में मतलब रोड पे रजिस्ट्री टीम ने बुला और बुला के देखो पुलिस कंप्लेन भी करे भाई कि चीज घूम रही है बस तो शाम को ने देखा होगा स्ट्रीट लाइट कोनी नाम से ही पूरा रास्ता खराब हो गया है 8 बजे बाद में लोग बैठे रहे दारू पी मार रखी साइड में रखी लेकिन आना जाना वो माता में ये जिला अस्पताल के ठीक पीछे जो कॉलोनी है वहाँ की घटना है और जो महिला है ये पति आप कड़क दसोटन में गेड़ा ना आओ गाँव कौन सा आपको मेरे गाँव मेरे पेड़ तो कैसे होगा 700 रुपये जी
दो कमरा कैसे तोड़ेंगे? और ये इस घर में चोरों ने हवा बोला है, इसलिए बच्चों का भी लाड़ कर रहे हैं। जब लौटे तो पता चला घर में चोरों ने आराम से गिरी है, घूम घूम कर गिरे। ये विनोद जी थारा मकान भी है ना? ये मेरा पड़ोस में मकान है। सुबह जब ये लोग गांव से आए थे तब पता चला इनके अंदर के मकानों के रूम किसके ताले हैं, वो टूटे हुए मिले। तो पुलिस ने सूचना दी? यहाँ तो पुलिस को सूचना दी। इस रास्ते में बार बार में प्रशासन को अवगत कराने के बाद में ये कटीली झाड़ियों में लोग शराब पी के बैठते हैं और आवारागर्दी करते हैं, रात को वारदात कर देते हैं। अभी 10-15 दिन पहले बाबूलाल जी से नहीं है, उनके भी चोरी हुई थी, वो माता जी की लानी में हुई थी। ये रोड इतनी गंदी हो रही है जिसकी हद नहीं है, आवारा लोग बैठते हैं। और फिर वो एक हॉस्पिटल के पास जो एम्बुलेंस चालक वगैरह है, ये भी इन्होंने शराब का अड्डा बना रखा है। नाम पुलिस ने जो भी करा है, बैठना की बात मतलब बदमाशी कर पा के बारे में बताओ, लिखित में जो जो भी हो। पहले भी चोरी हो रही है आसा पास है, रस्ता की कम्प्लेन थारे तरह की रेडी है, तैयार भी रेडी है, थे भी तारा पेज पर पोस्ट करे हो ना, तो रस्ता साफ हुआ है ना, स्ट्रीट लाइट है पूरा रास्ता पे, रात ने शराबी बैठे रहे हुए साइड में पीको करे बोला ना झगड़ा करे चलो आप सही मिलकर काट सा, जब कोई काम नहीं करेगा आदमी नहीं, मतलब घर को है भी हिसाब से बनो है। मेरी खुद अपने जे एन सिटी है पूजा चोरी पर से वर्बली बात होगी, व्हाट्सएप पर मैसेज छोड़ दिया पर ने लीगराज जी के साथ खड़े होके और तारा तारा की फोटो भी दे दी। सब बातें होने के बावजूद भी ना सिर्फ लिपापोती कर रहे हैं, हम बार बार करे लाइटें लगवा दो, हमारा जो रास्ता उसका थोड़ा करवा दो, कोई ध्यान ही नहीं देता है। कहते तो कहते विभाग की तरफ से कार्रवाई होगी तब देखें, अब विभाग में किसके पास है जिम्मेदारी पास? 181 पे कंप्लेन भी कर दिया और एक झाड़ियाँ आ गई, इतनी झाड़ियाँ ना किसी चोरी से चोरी कोई हो जाए उसका पता चलता है, सुनता कोई नहीं, बस सब खाली लिपापोती करते हैं। एमएलए साहब के जो पीए हैं विनोद जी, उनको भी बहुत बार अवगत करवा दिया, कहते हैं कि ठीक है करवा देंगे, टाइम मिलेगा तब करवा देंगे। मिलाओ दोबारा पीएन फोन मिलाओ, बताओ समस्या बताओ, माने भी चले पब्लिक ने क्या रेस्पॉन्स देवे। ठेकेदार आया हुआ था तब भी मिला ये झाड़ियाँ हैं और ये बताओ समस्या। ये भी 5 दिन पहले कंप्लेंट करी आवाज हूँ, कोई दवाई कोई इश्यू नहीं होता, कोई उसका समाधान समाधान नहीं कोई कोई सामने रास्ता पर लाग रहे हैं इज्जत है, इंतजार करो, देखो ये खंभा तक कोई कवर है, देखो क्या अगला खंभा लाग रहे हैं। हां विनोद जी नमस्कार साहब, मैं साहब हॉस्पिटल के पीछे से बोल रहा हूँ, 1 नंबर वार्ड से सेठ वाली से। एक्चुअल मैं काफी दिन से अवगत करवा रही हूँ, आज पूरे चोरी भी हो चुकी है साहब, पूरे चोरी भी हो चुकी है, मैं तन काफी दिन से अवगत करवा रही हूँ की एक तो स्ट्रीट लाइटा के लिए तन बोलो की वो टाइम पे जाते बात भी करी मेरे फोन से लाइव टाइम पे बजट दिए साहब, बहुत दिन ही बात होगी, मैं काफी 6 महीना से संपर्क करियो, बस भी कौन संपर्क करा, झाड़िया कटवाने के लिए भी तन बोलो की ठेकेदार को आदमी है वो, लेकिन वो आके वो मना कर गो, बोले भाई आगे से भी बात करो तो आऊंगा, बोले तो बोले मैं खून काट के जाता तो परमिशन तो साहब हमारे लिए तो थे एमएलए, वो थे एमएलए का फोन नंबर ठेकेदार जी आवा पटवारी दिनेश पटवारी नाम करके आ जैन साहब ने, मैं तारा के लिए बोल चुकी हूँ जैन साहब पूजा चौधरी भाई, पहली बात तो फोन ही उठा मैं फोन की तो भाई सुगन ही निकाल रहा है की कोई को फोन उठाड़ो नहीं है पहली बात, अब यार मैं तो थाने जाना भाई इलाज कर दूंगा। अब साहब लाइव है टाइम पर पुलिस भी ठीक है साहब, भी देखो बात करो एक बार
विनोद जी, विनोद कुमार बोलो। यार वो दिल्ली वारदात हो रही है, लाइव चल रही है, कोई समाधान नहीं। विनोद जी, कोई पानी की ले तो कोई पानी की समस्या दूर करो ना, इलेक्ट्रिक की करो ना, तो चोर और बदल लगा ले में थाने कई बार लाइटिंग मिली थी यार, ना कार ले आज सके दिक्कत हमारी, समस्या को समाधान हो लुके। ठीक है सर, बताओ कुलदीप जी। ये नीतू, नीतू जी हैं, इनके मकान है अपने नवलगढ़ में सरकारी हॉस्पिटल के पीछे। तो ये पड़ोसी है पुष्पेंद्र, इसने सूचना दी कि इनके घर चोरी हो गई है। मौके पर आया हूँ, इनसे पूछताछ की तो बताया कि मैं 10 तारीख को कोई परिवार में स्वामणी थी, वहाँ गई थी और आज सुबह 11 बजे आई हूँ। मेरे घर देखे, ताले टूटे हुए मिले। मौके पर आया हूँ, पास के फुटेज वगैरह कैमरे वगैरह भी चेक कर रहे हैं और रिपोर्ट देने के लिए बताया, तलाश प्रयास जारी है। मैं 10 तारीख ने स्वामी में गई सुबह 9 बजे और आज आके देखे ऐसा कर लोग लगा गई ही। अब आके देखे ना लोग खोल लो, 12 को लोग तो खोलियो, वो तो लाग रहे हो। जब पोर्च मार के लोग खोलवा के लग जाना, लोग लादे ही कुने, मैंने तालो मतलब की लादे ही कुने। बाद में बोल मैं अंदर बड़ी हूँ, एक कमरा में गई बक्सों को तालो थोड़े डोब रहे, सब कुछ सामान खंडाइडो मिले है। बाद में दूसरा रूम में बड़ी हूँ, देखो आलमारी को भी लोग तोड़े टोकड़े है, प्रेस बारह खोल के निकाल के सामान सो निकाल लियो और दो आलमारी का ताला तोड़ दिया और एक पड़ोस में बैठे की किराएदार ने रहती भी का रूम को लोग तोड़े टोकड़े है। तो सामान उड़े लेगा, एक तो मेरे आर हो, एक सोने की चैन ही, 3 सोने की अंगूठी ही और एक मेरी चांदी की तागड़ी ही और बच्चा का छठ तागड़ी हा और कोई नाक की नोज पिन वगैरह है, 10,000 रुपया रोकड़ी है और 3 चांदी का सिक्का है। 1.5 लाख का सामान हो रहा है। हाँ।